के इन रास्तों से हम आए हैं और अब मैं आपको ले जा रहा हूँ वसुंधरा फॉल्स के पास। और व्यू ओ हो 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 हो, ये देखिए दोस्तों, वेलकम टू अजहर यूसुफ चैनल। भंडार धारा का एक और वाटरफॉल लेके आया हूँ और इस बार वसुंधरा फॉल्स। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक है जो हमको करना है और ये ना जंगल के काफ़ी अंदर है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ से व्यू ज़बरदस्त है, आने का रास्ता इतना अच्छे तरीके से बना नहीं है। डिपेंड भी करता है कि आप कहाँ से आते हो, कोई भी तरफ से आओ, अंदर बहुत है और रास्ता इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं खास कवर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और दोस्तों पहले मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ बेस से और फिर पूरा ट्रैक करेंगे। 650 मीटर का कुछ ट्रैक करना है और उसके बाद ये फॉल अपने को देखने के लिए मिलेगा। सो दोस्तों, वसुंधरा फॉल बंदरधारा, लेट्स गो फॉर इट। और आसपास का लोकेशन सबसे पहले मैं बताऊँ ना, ये देखिए ये लोकेशन पे हूँ मैं, पूरा फॉरेस्ट है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है। ये एक ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पे टूरिस्ट भी आपको काफ़ी सारे मिलेंगे। मैं यहाँ से आया हूँ आर्थर लेक की तरफ से, मैं आया हूँ अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर और जिसमें से 8 या 9 किलोमीटर तो ऑफ रोडिंग था। और ये पूरा फॉरेस्ट एरिया आपको दिखेगा, यहाँ से रास्ता है, वहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कुछ टूरिस्ट लोग आए। देखिए दोस्तों ज़बरदस्त जगह है ये, इन टर्म्स ऑफ जो बेस हमको दिख रहा है ना वो ज़बरदस्त दिख रहा है। अब जाके देखना है कि ये वाटरफॉल कितना अच्छा है। यहाँ पे लिखा हुआ है वसुंधरा फॉल 650 मीटर। यहाँ इस तरफ ज्ञानेश्वर भाई भी अपने साथ है अभी तक, और आज शायद पूरा दिन ज्ञानेश्वर भाई अपने साथ ही रहेंगे। ये देखिए ऐसा कुछ ट्रैक है, ये बहते हुए पानी की आवाज़ और ये प्रॉपर फॉरेस्ट का ट्रैक। ये एडवेंचरर्स के लिए दोस्तों, अगर आपको एडवेंचर करना है ना कुछ, और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स या दोस्त लोग, मज़ा आएगा। लेकिन रास्ते अगर मैं आपको बता दूँ ना, लेंस साफ करके थोड़ा सा, तो इतने अच्छे नहीं है दोस्तों। हाँ ये देखिए, जूते आपके जितने अच्छे हो सकते हैं उतने अच्छे जूते पहन के आना, क्योंकि पूरा ऑफ रोड है, रास्ता है ही नहीं प्रॉपर बना हुआ, पथरीला रास्ता है। और ये बहता हुआ पानी, हम शायद ऊपर की तरफ थोड़ा सा जा रहे हैं, यहाँ से कुछ वहाँ पे लिखा था 650 मीटर का ट्रैक है। आगे बढ़ते देखते कितना चलना है। और एक बात अच्छी लगी दोस्तों कि ये जो रास्ता है ना वो थोड़ा सा ऐसा एटलीस्ट डायरेक्शन दे रहा है कि किस तरफ जाना है, वो एक अच्छी बात है। ये देखिए पूरा डायरेक्शन तो दे रहा है कि किधर जाना है। बंदरधारा ने ना ये एक ऐसी जगह है, हर वीडियो के साथ मुझे पर्सनली हर टूरिस्ट स्पॉट के साथ बहुत इम्प्रेस किया है, बहुत ज़बरदस्त जगह है वसुंधरा फॉल्स। ऑनेस्टली मैंने इसके पहले कभी सुना नहीं था, ये ज्ञानेश्वर भाई ने मुझे बताया कि यहाँ पे है। देखना मुझे ये है कि कितना इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि टूरिस्ट थे यहाँ पे, उस तरफ जिस तरफ मैं खड़ा था उस तरफ इतने नहीं थे, पर दूसरी तरफ टूरिस्ट काफ़ी थे। देखते हैं कैसा है ये वसुंधरा फॉल्स। अब ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा संभाल के नीचे उतरना है, ट्रैकिंग है प्रॉपर। ये इसमें ना क्रॉक्स भी कभी कभी फिसल जाते हैं। वाटरप्रूफ जूते की ज़रूरत है यहाँ पे, वाटरप्रूफ जूते, ताकि ग्रिप भी मिले और आप फिसलो भी नहीं। ये देखिए दोस्तों बारिश तो ऑनेस्टली ना पिछले एक घंटे से इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। बारिश ने तो मुझे ज़रा भी नहीं बख्शा, लेकिन बारिश हो या कुछ भी हो, एक दिन है पूरा बंदरधारा कवर करने की कोशिश है, देखते कितना होता है। आगे बढ़ते जा रहे हम, और अभी भी कोई ऐसा फॉल वगैरह मुझे नज़र तो नहीं आ रहा, बस ये बहता झरने की आवाज़ और वो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी मुझे, ब्रिज। दोस्तों यहाँ से आप चलते हुए आते हो ना, यहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन है और वहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है वसुंधरा फॉल कहाँ, यहाँ पे, यहाँ पे इस तरफ से, यहाँ इस तरफ से भी जा सकते हैं, पर इस तरफ से भी जा सकते हैं। किस तरफ से जाना है, कौन सा रास्ता अच्छा है? ये रास्ता इतना अच्छा नहीं है, ये रास्ता थोड़ा अच्छा है।
दोस्तों एक रास्ता साइड की तरफ जा रहा है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है। लोकल्स का बोलना है कि ऊपर वाला रास्ता थोड़ा सा बेटर है। ये देखिए, ओहो, और यहाँ पे फिर से वो डायरेक्शन दे रहे हैं, वसुंधरा फॉल राइट की तरफ। जंगल में लेंस पोंछ लेता हूँ, जंगल में इतना गंदे रास्ते पे स्कूटर चला के आया हूँ, इतना ट्रैकिंग कर रहा हूँ। वसुंधरा फॉल्स को अच्छा होना चाहिए यार, बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये देखिए, अभी तो मैं चलता ही जा रहा हूँ, चलते चलो। ये देखो यहाँ पे ना रास्ते के कॉर्नर पे ऐसा बनाया हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, जो भी इसको बोलते हैं, ऐसा बाउंड्री बनाई गई है छोटी सी, जो आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन दे कि आपको इस तरफ ही जाना है, और आप सही जा रहे हो। रास्ते देख रहे हो, पूरा मड़ी है, पूरा कीचड़ है, लेकिन आगे बढ़ते जाना है, देखना है कितना वर्थ है, इतनी मेहनत करके आना है यहाँ पे। और वहाँ नीचे देखिए वो जो स्ट्रीम जो हम स्टार्टिंग से देखते आए, बारिश और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कुछ नहीं कर सकते यार, बारिश तो अपने हाथ में है नहीं, हिम्मत करना अपने हाथ में है, बस वो ही कर रहा हूँ। छः सौ पचास मीटर भी बहुत होते हैं लगता है। ये देखिए इन रास्तों से हम आए हैं, और अब मैं आपको ले जा रहा हूँ वसुंधरा फॉल्स के पास, और व्यू ओ हो 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 हो, ये देखिए ये देखिए ज़बरदस्त। यहाँ से थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं और नज़दीक से देखते हैं, लेंस साफ कर लेता हूँ। ये देखिए बाप रे बाप, बाप रे बाप, ये देखो खतरनाक जगह है दोस्तों, टोटली वर्थ इट है। इतनी मेहनत करके आया, इतना ट्रैक करके आया, लेकिन जो व्यू यहाँ पे मिल रहा है ना वो ज़बरदस्त है। जो जितना शोर कर रहा है और जितना फोर्स है ना, ज़बरदस्त जगह है दोस्तों। ये देखिए ये पूरा पानी यहाँ पे फोर्स से बह रहा है, वो देखिए वहाँ पे भी जगह है जाने की, अगर आपकी ज़्यादा हिम्मत हो तो। वहाँ पे मैं जाऊँगा नहीं, वहाँ पे लिखा है वसुंधरा फॉल्स, और ये है वसुंधरा फॉल्स। बाप रे बाप, इस जगह ने सच में होश उड़ा दिए यार। बंदरधारा का ना मैं फैन बन चुका हूँ, ये जगह ज़बरदस्त है। जो वाटरफॉल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं ना, वो मैंने कहीं नहीं देखा। इतना फोर्स, इतना मिल्की, इतना क्लियर वाटर, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। दोस्तों रास्ता ख़राब है, लेकिन आप आ सकते हो, जो व्यू आपको मिल रहा है वो देखने के लिए डेफिनेटली आ सकते हो। जो 650 मीटर का ट्रैकिंग है, जानलेवा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, अच्छा रास्ता है, लेकिन जो व्यू आपको इधर मिलता है ना वो ज़बरदस्त है। ये आसपास का एरिया भी सेफ है, अब डिपेंड करता है कि आप कितना अनसेफ होना चाहते हो। अब जैसे कि ये जहाँ मैं खड़ा हूँ या बैठा हूँ वो जगह सेफ है, लेकिन अगर आप वहाँ पर जाने की इच्छा रखोगे या फिर वहाँ पर कहीं जाओगे तो आपके लिए अनसेफ हो सकता है। मैंने कभी इस फॉल का नाम नहीं सुना था, वसुंधरा फॉल्स कभी नहीं सुना था,
और मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये इतना फेमस क्यों नहीं है, फेमस क्यों नहीं है। ज़बरदस्त जगह ये और ज़बरदस्त फॉल है। पीछे भी अगर आप देखो ना तो एक केव जैसा छोटी सी जगह है और ऊपर से जो भैरव है ना ये देखिए, पूरा फॉरेस्ट एरिया है ये, पूरा फॉरेस्ट एरिया ये देखिए। क्या बोलते हो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये जगह कैसी लगी आपको, ये वाटरफॉल कैसा लगा आपको? ज़रूर आपको आना चाहिए इधर। मिलता हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और एक बार ये बता देता हूँ आपको।